जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, कई वर्ष हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर सफेद आंकड़े की जड़, और ध्यान देना वो जड़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, उपाय को पूरा जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आप पूरा उपाय जान पाएंगे कि आपको कैसे उपाय करना है और कब ये आपको उपाय करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न होता है, आपका कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल की सदस्यता को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता लेने का आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके कमेंट का आपको तुरंत जवाब मिलेगा, और दूसरा आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ पाएंगे। जो भी आपका प्रश्न है वो हमसे आप डायरेक्ट पूछ पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं गुरुजी से कि आपको आंकड़े की जड़ का ये उपाय कैसे करना है। किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम ला कर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के सातवें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए, और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती कर कि मेरे घर में भी संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर में उसको बांध ले। और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव कथा। कई लोग ऐसे हैं 18, 19, 20 साल जिनको हो गए, जिनके घर में संतान नहीं हुई और बाबा विश्वनाथ ने उनकी गोदियां भर दी, बाबा की ऐसी कृपा बनी। ये बाबा की कृपा। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी, और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा। पिताजी, गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं। तब गौतम बाबा ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती, जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। भक्तों, वैसे तो गुरुजी ने यह पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताया है। उपाय में कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरा उपाय समझने की कोशिश करना। यह उपाय हमें करना कब है? शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको यह उपाय करना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको ये उपाय करना है। अब 7वें दिन कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। दूसरी बात, ये उपाय करना कैसे है? उपाय करने के लिए आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आनी है, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के लिए जब आप जाएं तो पति पत्नी दोनों को जाना है। किसी दूसरे के हाथ आपको सफ़ेद आंकड़े की ये जड़ नहीं मंगवानी, खुद को जाकर लेकर आनी है। आप 7वें दिन भी ला सकते हैं, या उससे पहले भी आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाकर अपने घर में रख सकते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आना है, ज़्यादा बड़ी आंकड़े की जड़ भी नहीं लेकर आनी,
कहीं ऐसा ना हो कि आप आंकड़े की जड़ लाने के चक्कर में पूरे आंकड़े के पौधे को ही खत्म कराएं। थोड़ी सी जड़ निकाल कर लेकर आनी है। अब सातवें दिन आपको महादेव के मंदिर में जाना है, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर जानी है, साथ में एक लाल रंग का धागा लेकर जाना है और साथ में एक पीपल का पत्ता लेकर जाना है। तीनों चीज़ लेकर आप महादेव के मंदिर में जाइए। पति पत्नी दोनों को जाना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है और साथ में तुम्बुरुका जी का नाम लेना है। तुम्बुरुका जी का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है और क्लॉक वाइज आपको घुमाना है। 21 बार घुमाने के बाद उस आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर पत्नी को अपनी कमर में बांधनी है। अकेली पत्नी को वह जड़ बांधनी है, पति को बांधने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पति पत्नी दोनों संतान की प्राप्ति के लिए महादेव को प्रार्थना करें और साथ में जो आप एक पीपल का पत्ता लेकर गए हैं वो पत्ता आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वह पत्ता समर्पित करना है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं, बाकी और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। जब आप मंदिर से वापस चलने लगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो आपने एक पीपल का पत्ता महादेव को चढ़ाया था वही पत्ता आपको वापस उठा लेना है और अपने घर आ जाना है। शाम के समय वही पीपल का पत्ता गाय के दूध के अंदर उबालना है और पति पत्नी दोनों को पीना। यह आंकड़े की जड़ का जो उपाय है, इस उपाय को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। गुरुजी की कथा में भी आपने बहुत सारे ऐसे पत्र देखे होंगे। गुरुजी पढ़कर सुनाते हैं कि हमने आंकड़े की जड़ का यह उपाय किया और हमारे 20 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। कोई कहता है हमारे 15 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से ये आंकड़े की जड़ का उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है। तो अगर आपकी भी संतान प्राप्ति की समस्या है तो आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। बहुत सरल उपाय है पर बहुत चमत्कारी उपाय। हमने पूरी कोशिश की है आपको पूरा उपाय अच्छी तरह से बताने की। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक कमेंट जरूर करना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और साथ में आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं जिससे आप हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।